ऑफिसर भर्ती का। राजस्थान सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती यानी कि CHO 2 साल से लंबित है। 10 नवंबर 2020 को इसका लिखित परीक्षा हुई थी। अंतिम परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है। 16 जनवरी को 7810 पदों के विरुद्ध 2 गुने अभ्यर्थियों को लिस्ट जारी कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। अब लगभग निलंबित अभ्यर्थियों का मामला क्लियर होने के बाद भी भर्ती को लटका कर रखा जा रहा है। दूसरी तरफ प्रदेश में कोरोना के मामले आसमान तक पहुंच चुके हैं और अभ्यर्थियों की मांग है कि CHO की लिस्ट निकाल कर ज्वाइनिंग दी जाए, जिससे मैन पावर की कमी से जूझते प्रदेश को राहत मिल सके। गौरतलब है कि सभी प्रदेश में CHO भर्ती 2 से 3 बार तक हो चुकी है। राजस्थान में पहली भर्ती है जिसमें तारीख पर तारीख का भरोसा दिया जा रहा है। आज राजस्थान सभी राज्यों में CHO भर्ती के मामले में सबसे पीछे है। एक बार भी भर्ती पूरी नहीं हो पाई, जबकि अन्य राज्यों में कई बार भर्ती पूरी हो चुकी है। इस कोविड के दौर में CHO की चयन सूची जारी कर बेरोजगारों को नियुक्ति दे, यही अभ्यर्थियों की मांग है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सभी राज्यों में 2-3 बार CHO की भर्ती होने के बाद ज्वाइनिंग भी दी जा चुकी है, लेकिन राजस्थान में मंत्री और अधिकारी की आपसी लड़ाई के कारण 2 साल से CHO भर्ती लंबित है। अब देखना ये होगा कि मंत्री लोग आपसी रंजिशों में समय व्यर्थ करते हैं या इन बेरोजगारों की आवाज सुनते हैं। सर, कुछ सवाल भर्तियों को लेकर भी है, CHO की भर्ती को लेकर पूछ रहे हैं, रेडियोग्राफर की भर्ती को लेकर पूछ रहे हैं, तो क्या स्टाफ की जो कमी है उसको उस पर भी फोकस रहेगा? बिल्कुल, हम जल्दी जल्दी ये सब काम कर रहे हैं। हमने लैब टेक्नीशियंस की परसों आदेश निकाल दिए, CHO का भी जल्दी निकाल देंगे। सर, कुछ सवाल भर्तियों को लेकर भी है, CHO की भर्ती को लेकर पूछ रहे हैं, रेडियोग्राफर की भर्ती को लेकर पूछ रहे हैं, तो क्या स्टाफ की जो कमी है उसको उस पर भी फोकस रहेगा? बिल्कुल, हम जल्दी जल्दी ये सब काम कर रहे हैं। हमने लैब टेक्नीशियंस की परसों आदेश निकाल दिए, CHO का भी जल्दी निकाल दें।